मित्रों आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारे व्यूवर्स हैं। इनका मेरे पास ईमेल आया कि मैंने लूम सोलर बाय किया था और मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया, मैं क्या करूं, मुझे मार्ग बताओ, रास्ता बताओ, क्या है क्या नहीं है। चलिए बताते हैं कि क्या इसके लिए लूम कंपनी जिम्मेदार है कि नहीं है, इसके बारे में पूरी बातें हम बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों यहाँ पे इन्होंने लूम सोलर बाय किया है और लूम सोलर मैंने भी लगाया है और हमने ऑफलाइन लिया, वो भी दुकान से अच्छे से चेक करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तब सोलर मैं घर पे लाया और इंस्टॉल किया, लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने ऑनलाइन बाय किया होगा तभी इनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला होगा, कि ऑफलाइन में जब ये सोलर पैनल लेंगे तो चेक करके दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम में है कि मैं क्या करूं, रास्ता बताओ। देखो मित्रों, इस कंडीशन में अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, चाहे लूम का हो चाहे किसी कंपनी का हो, आप पहले तो अगर ऑनलाइन परचेस किए हैं, मान लो एमेजॉन से किए हैं, फ्लिपकार्ट से किए हैं, या किसी साइट से किए हैं, या लूम के ऑफिशियल वेबसाइट से किए हैं, जहाँ से किए हैं वहाँ पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल चुका है या डैमेज मिल चुका है। इस कंडीशन में उसके लिए कंपनी का जो रूल टर्म एंड कंडीशन होगा उसके बिहाफ पे आपकी हेल्प की जाएगी, और साथ में अगर आपने ऑफलाइन लिया है दुकान से तो वहाँ से आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, वहाँ से आपका हेल्प मिलेगा। क्या ये सारी चीज़ों को मिला के लूम कंपनी जिम्मेदार है? तो लूम कंपनी जिम्मेदार नहीं है। रीजन ये है कि सामान आप ही बेच रहे हो या कोई और बेच रहा है, वो सामान किसके पास किस कंडीशन में गया, किस रूप में गया, किस तरीकों में गया, कैसे डिफेक्ट हो गया, कैसे डैमेज हो गया, वो चीज़ का पता लगाने के बाद ही पता चलेगा। अब जो सेलर ने दिया, जो दुकानदार ने दिया, या ऑनलाइन आपने स्टोर से लिया, कहाँ से लिया, तो वो चीज़ के लिए आपको उनके पास शिकायत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लूम का पैनल मत लो या किसी कंपनी का पैनल मत लो। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप पैनल कभी भी ऑनलाइन अगर परचेस कर रहे हैं तो सारे रूल नियम पॉलिसी को अच्छे से चेक कर लें, पढ़ लें, तब खरीदें। अगर आपको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, दुकान पे जाएं, हर जगह आपको प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा, वहाँ पे जाके चेक करें, बात करें, पैसे पे करें, आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं मित्रों आज तक ऑनलाइन पैनल कभी बाय नहीं किया, एक बार मैं ट्राई करना चाहा बट मैंने नहीं किया। रीजन है मित्रों कि ऑनलाइन पैनल अधिकतर फूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी क्या है कि कूरियर कंपनी ही मेरे बहुत सारे इन्वर्टर को, उसकी बूस्टिंग कॉइल कोई तोड़ दी, ले जाने कर रहे पटकते पे, तो कूरियर कंपनी गलती नहीं है, जो माल ढोने वाले जो होते हैं उनकी कहानी ये होती है, वो लोग अपने घर का माल समझ लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये माल किसी का है, पैसे लगा के आया है, बेचने में तोड़ देते हैं। मित्रों इस तरीके से इनके पास प्रॉब्लम आई है। अब आप लोग बताना कि गलती किसकी है, कौन सपोर्ट करेगा, लूम कंपनी या डीलर या जिससे माल लिया उससे। अब आप लोग थोड़ा राय देना, और किसी को भी अगर इन्वर्टर चाहिए मुझे संपर्क करे, फुल सपोर्ट दूंगा, शिकायत जीरो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा आपका हेल्प मिलेगा और आपको इन्वर्टर मिलेगा। 6 किलोवाट आपको पड़ेगा 44,000 में, बढ़िया क्वालिटी। 3200 वाट का 24 वोल्ट में 33,000 का पड़ेगा, 33,000 रुपये का। 10.2 किलोवाट आपके घर तक पहुंचा के 80,000 प्लस पड़ेगा, और साथ में आप अगर लेते हैं इससे और ऊपर वर्जन वो भी मिल जाएगा, बट आप पैसे की बर्बादी मत करना। 2,420 वाट का लेंगे आपको पड़ेगा 44,000 रुपये का, जो कि बढ़िया क्वालिटी, फ्रेश क्वालिटी, दिक्कत आने पे फुल सपोर्ट मिलेगा, संपर्क जरूर करना। और पैनल किस कंपनी का लेना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बट मैं किसी कंपनी के बारे में आपको ये नहीं बोला, आप उसका ले ही लो, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग है। वारी ले सकते हो, लूम ले सकते हो, यूटीएल किसी कंपनी का ले सकते हो, बट इतना आपको शेयर कर दूं, सेल जो होते हैं टोटल आते हैं चाइना से ही, भले से मैनुफैक्चरिंग कंपनी अलग अलग करे, अपना मार्कर लगाए, वो बात की बात है, बट रियलिटी यही है। बाकी क्या है क्या नहीं है आप खुद शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब की बेल आइकन को ऑन कर देना।